नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स पे। दोस्तों आज का ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूं बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट पर है, तो चलिए आइए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लाइंस एंड एंगल्स का बेसिक कंसेप्ट समझाया था और फिर उस बेसिक कंसेप्ट के बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस कराए थे। तो मेरे बच्चों, फिर मैंने ट्रायंगल का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट बताया था कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, कितने टाइप का होता है, समरूपता किसे कहते हैं, तो उन सब टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में बना हुआ है, उसमें धुआंधार क्वेश्चन है, धुआंधार तरीके से सॉल्व है, तो आप वहां पर जाकर के मेरे प्लेलिस्ट पर, ज्योमेट्री होगा प्लेलिस्ट का नाम, वहां आप आसानी से देख सकते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स करते हैं कि इसका, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है मेरे बच्चों कि अभी एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा होने वाली है, उसके बाद एमटीएस है, फिर सीजीएल टायर वन आ जाएगा आपका, उसके बाद फिर अभी आरआरबी की भी परीक्षाएं होने वाली है, तो आजकल क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं ना जो बिल्कुल थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें हमें कुछ करना नहीं है। अगर वो थ्योरम हमें पता है, उसका रिजल्ट हमें पता है, तो बस वही आंसर हो जाता है। आइए मैं आपको बेसिक तरीके से समझाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोग आज पढ़ेंगे, सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता ही होगा, मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, बस डायग्राम बताऊंगा और आपको तरीका समझा दूंगा, क्योंकि हम लोग भी जब दोस्तों तैयारी करते थे अपने टाइम पर, तो हम थ्योरम को ही अच्छे से समझ करके याद रख लेते थे, ताकि जब भी क्वेश्चन वैसा आए तो फटाक से हम लोग आंसर कर देते थे। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है दोस्तों, कि अगर एक ट्रायंगल है एबीसी और मान लीजिए ये लंब है और ये आधार है और इनके बीच का एंगल अगर समकोण है, 90 डिग्री है, और तो ये भुजा कर्ण हो गई, तो आप सभी को पता है, आप सभी ने बेसिक 9-10 में पढ़ा ही होगा। तो देखिए इसमें क्या है, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, बिल्कुल बेसिक है, देखिए जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बतलाता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट, अब चलिए आते हैं, अब इससे एक कंसेप्ट हम आगे बढ़ते हैं, अब इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। तो देखिए मेरे बच्चों, ये भी मान लीजिए, ये भी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये कोण आपका समकोण है, इसका मैं नाम दे देता हूं, ये ए है, ये बी है और ये वाला आपका सी है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। मगर मेरे बच्चों, इसी किसी भी एक शीर्ष बिंदु, यहां मान लो जो एपेक्स पॉइंट है, जो शीर्ष बिंदु है ए, अगर यहां से मैं बीसी पर एक ऐसी भुजा खींचू, जो एंगल जो बनेगा यहां डी बिंदु पर, वो एक अधिक कोण है। कैसा कोण है मेरे बच्चों, अधिक कोण है। तो अधिक कोण जब बनता है मेरे बच्चों, तब यहां से एक थ्योरम और जनरेट होती है, और उसका मान क्या होता है ये आप सभी को जानना होगा। तो देखिए हम लोग अपने टाइम पे कैसे करते थे, पहले मैं आपको थ्योरम समझा देता हूं कि देखिए क्या, तो ऐसा जब रहेगा तो एसी स्क्वायर के बराबर हो जाता है मेरे बच्चों एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस 2 × BC × AD। जी हाँ दोस्तों, अब ये आपको याद रखना है, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद, आप देखिएगा बच्चों, जब भी आप सीएचएसएल या सीजीएल के पुराने पेपर्स को सॉल्व करोगे, तो देखिएगा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। अब एसएससी क्या कर रही है, इसी प्रकार के थ्योरम को लिखित रूप में दे दिया जाता है और बोला जाता है बताइए चार ऑप्शन में कौन सा कथन सही है। अब याद आ रही है मेरी बात, आप सभी ने जितने भी एसएससी एस्पायरेंट्स है, वो उन्होंने जरूर देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एसएससी ज्यादा पूछ रही है, ये ऑप्शन दे देगा, ये ऑप्शन दे देगा, इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन और दे देगा, तो वैसे क्वेश्चंस में बच्चे बहुत फंस जाते हैं। मगर मेरे बच्चों, इस पर मैं लगभग 2 वीडियो बनाऊंगा, आज मैं आपको लगभग 14 से 15 बेसिक प्रॉपर्टीज बताऊंगा, इन दोनों वीडियो को देख करके ही अगर आप अच्छे से समझ ले, तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा, ये बिल्कुल गारंटी है दोस्तों। तो देखिए अब हुआ क्या इसमें, तो देखिए एसी स्क्वायर यानी कि ये जो कर्ण का स्क्वायर है, ये बराबर क्या होगा, देखो एबी स्क्वायर प्लस ये वाला बीसी स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यानी कि बीसी स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद 2 × BC, अब देखो ये बीसी है यानी ये वाला, इंटू, अब कितने लोग एबी करेंगे, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो उसमें एक थोड़ा सा ट्रिक है, यही थ्योरम कहता है कि ये जो नई जो भुजा खींची गई है, जो एक ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण बना रही है, तो ये जो भुजा एडी है उसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा,
तो देखिए आपका थ्योरम नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ये आपको याद रख लेना होगा क्योंकि अब आपको देखिए डायग्राम को देखिए और थ्योरम को याद रखिए। इसका प्रयोग हम लोग क्वेश्चन बनाने में करेंगे। मैक्सिमम टाइम आपको ऐसा ही हूबहू क्वेश्चन मिल जाएगा परीक्षा में, तो उसे देख करके अगर आपको याद रहेगा, मेमोरी में रहेगा, समझे रहेंगे तो तुरंत आप इसका आंसर कर लेंगे बच्चों। इसका डिटेल पूरा लिख करके समझाने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे ही ट्रिक बना करके अच्छे से समझ लीजिए तो आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। अब देखिए दोस्तों तीसरा टॉपिक है, चलिए अगर इसी में मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अब देखो तीन नंबर टॉपिक को अच्छे से समझना मेरे भाई, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अब देखिए मान लीजिए कि मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ जो कि कुछ इस प्रकार से होगा, एक ट्राइंगल ले लिया एबीसी। अब देखिए क्या है, एबीसी में कोण सी एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल। कैसा कोण है भाई, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। तो आप इसमें क्या करोगे मेरे भाई, न्यून कोण है जब एक्यूट एंगल है तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर एडी लंब है बीसी पर, मान लीजिए यहां से एक लंब खींचा जाए जिसका नाम है एडी और वो बीसी पर अगर लंब है मेरे बच्चों, तो तब क्या थ्योरम कहेगा, तब उस समय आपको थ्योरम ये कहेगा कि एबी स्क्वायर बराबर, यानी ये भुजा, इस भुजा का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा बीसी के स्क्वायर, देखो बीसी स्क्वायर प्लस ये वाला एसी स्क्वायर माइनस टू बीसी इंटू डीसी। अब देखो भैया ये आपका एक नया थ्योरम क्रिएट हो गया। अब इस थ्योरम को अच्छे से समझो, ये वाली भुजा अब हम लोग अपने टाइम पे भी ऐसे ही याद रखते थे कि जब ऐसा होगा एक लंब होगा और ये अगर एक्यूट एंगल होगा तो देखो इस भुजा का जो स्क्वायर होगा वो बीसी के स्क्वायर और एसी के स्क्वायर के योग करने पर तथा उसमें से टू करके दो गुणा करके टू बीसी इंटू ये वाला डीसी को गुणा करके घटा दो तो एबी स्क्वायर हमें मिल जाता था। अभी इसका फायदा अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत बच्चों को कि मैं ये क्या बता रहा हूँ, मगर मेरे बच्चों जो एसएससी की परीक्षा दे चुके हैं या बहुत डीपली एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी कि आज के इस वीडियो में मैं कितना महत्वपूर्ण चीज आप सभी को बता रहा हूँ। तो कुछ नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखो मेरे भाई, सिंपल थ्योरम है, उसे देख करके घर में प्रैक्टिस करो, उसके बाद देखो एग्जाम में आपको फायदा क्या होगा और मैं अगले वीडियो में इस पर क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। अब देखिए दोस्तों थ्योरम नंबर 4 अच्छे से समझिए। देखिए ये मैंने एक त्रिभुज बनाया है, मैं इसका नाम दे देता हूँ लाइक ए बी सी। अब देखो इसके अंदर तीन एंगल बन रहे हैं, 1, 2, 3 भी मैंने नाम दे दिया। अब मेरे बच्चों आपको तो पता होगा ना कि एक त्रिभुज के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इतना तो आप सभी को पता है कि सभी अंतःकोणों का योग एक त्रिभुज का क्या होता है, 180 डिग्री। मगर अब देखो मेरे भाई यहाँ बाहर में भी तो एंगल बन रहा है, इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, वाई कोण कहेंगे या एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो अब ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, चलिए मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये एक्स हो गया, ये वाई और ये जेड। तो भैया त्रिभुज के सभी बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, 360 डिग्री। इसे अच्छे से समझ के रखिएगा। तो देखो ये वाला एंगल और ये एंगल अगर एक स्ट्रेट लाइन हो जाए तो ये पूरा 180 हो जाता है, ये भी आपको मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ये एंगल 2 और ये वाई, ये पूरा मिलकर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एंगल 3 और एंगल जेड, देखो एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पर कैसा एंगल बनता है, एक स्ट्रेट एंगल बनता है और स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 और एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल मिल करके कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, थ्योरम है, इसे अच्छे से समझ जाओ। अब देखो आते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 5 पे, ये क्या कह रहा है। यहाँ भी देखिए एक ट्राइंगल मैंने बना दिया है और इसके अंदर तीन एंगल्स हैं, एंगल 1, 2, 3 मैंने नाम दे दिया। और अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि बाहर में भी एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इसका नाम मैंने एंगल नंबर 4 कर दिया है। अब मेरे बच्चों इसे समझो अच्छे से कि क्या कहता है। थ्योरम नंबर 5 हमें ये कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज एबीसी की बीसी भुजा को अगर डी तक बढ़ाई जाए तो बनने वाला जो बहिष्कोण है वो उसके विपरीत भुजा के दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। यानी ये कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि एंगल 4 जो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है,
इसके ठीक अपोजिट साइड यानी इसके ठीक विपरीत के तरफ जो भुजा पर दो एंगल बन रहे हैं, यानी कौन कौन एंगल बन रहे हैं इसके विपरीत, वन एंड टू, ये क्या होगा, एंगल वन प्लस एंगल टू के सम के इक्वल होगा, इनके योग के बराबर होगा। यानी एंगल एक और एंगल दो का जो जोड़ होगा ये दोनों एंगल किसके बराबर होंगे, एंगल फोर के बराबर होंगे इस बहिष्कोण के। अगर इस पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं कि अगर मान लो भैया ये 120 डिग्री है और ये कितना है 60 डिग्री है, तो देखो भैया आपको पूछा जाएगा कि ये वाला एंगल बताओ, तो क्या करना है, ये 120 है बाहर में, तो आपको पता है एंगल वन और टू मिलके भी 120 होंगे, तो जिसमें से एक एंगल आपको दिया रहेगा 60 डिग्री, तो ये वाला ऑटोमेटिक 60 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, या इन दोनों को जोड़ दो तो जो होगा वो यहाँ पर आपका इसका देखो 60 और 60 120 हो जाएगा। आ गई बात समझ में, क्लियर है। अच्छा, और एक चीज इसमें है कि देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल थ्री और एंगल फोर दोनों मिलकर कितना होंगे मेरे बच्चों, जी हाँ मेरे बच्चों बताइए कितना होगा, मन में सोचो, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल थ्री और एंगल फोर मिलकर कितना हो जाएंगे 180 डिग्री, क्लियर है। तो देखो थ्योरम नंबर फोर और फाइव भी आप समझ गए, ये सब बेसिक कंसेप्ट है, ज्योमेट्री में बिना कंसेप्ट के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, दो चार ट्रिक याद कर लोगे मगर भैया एसएससी ट्रिक से नहीं निकलती, आपको बेसिक कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है, तभी उसमें आप ट्रिक यूज करके और एडवांस लेवल की तैयारी कर सकते हो। आइए चलते हैं अगले थ्योरम की ओर। तो देखिए दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं थ्योरम नंबर सिक्स, जो प्रॉपर्टी है उसे अच्छे से समझिए, ये प्रॉपर्टी नंबर सिक्स पे। देखिए दोस्तों, एक ट्रायंगल मैंने ले लिया एबीसी, अब देखो इसके तीन एंगल होते हैं, आप सभी को पता है तीन इंटीरियर एंगल होते हैं। अब अगर मैं कहूं कि तीन जो ये जो एंगल है इंटीरियर एंगल, अगर एंगल बी का कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक का मतलब होता है मेरे बच्चों एंगल बाइसेक्टर, और एंगल सी का अगर एंगल बाइसेक्टर दोनों आपस में एक दूसरे पर ओ बिंदु पर मिल रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी मीट्स एट ए पॉइंट ओ, तो देखो क्या होगा, तब देखो यहां पर भी एक बड़ा कोण बनेगा जो हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होगा मेरे भाई, तो आपसे पूछा जाएगा इसी एंगल बी ओ सी का मान बताइए। तो याद रखना मेरे भाई, ये दोनों यहाँ पर क्या है, कोण समद्विभाजक है, क्या है, कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी मान लो अगर ये एंगल 60 है तो जब ये रेखा खींचेंगे तो दोनों 30-30 हो जाएगा, क्लियर है। तो कोण समद्विभाजक दो एंगल के जिस बिंदु पर आकर मिलेंगे तो वहां पर भी तो एक बड़ा कोण बनेगा, तो इसी एंगल का मान आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई, तो याद रखना इस एंगल का मान क्या होगा, 90 डिग्री प्लस इसके ठीक सामने जो कोण है यानी एंगल ए, तो एंगल ए का आधा इसमें ऐड कर दो, ये हो गया आपका फॉर्मूला। आई बात समझ में मेरे बच्चों। अब एग्जाम में क्या करेगा, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे मैं आपको चलिए एक क्वेश्चन दे देता हूं कि देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एबीसी एक ट्राइंगल है, ऊपर मिल रहे हैं, अगर ये वाला एंगल आपको मैं बोल दूं कि ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, क्लियर, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला एंगल बताओ, तो ये वाला एंगल आप कैसे निकालोगे मेरे भाई, तो देखो भैया सीधी सी बात है, जब ये 60 और ये 80 है तो 8, 6, 14, 140 डिग्री, यानी एंगल ए हो जाएगा 40 डिग्री, तभी तो तीनों मिलकर 180 होंगे, यहां तक क्लियर है। अब देखो ये जे है तो ओबी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये छोटा सा कोण कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा, ये वाला पूरा एंगल 80 डिग्री है, तो अंदर में ये छोटा सा कोण कितना होगा, आधा होगा, यानी 40 हो जाएगा, तो 40 और 30 कितने हो गए मेरे बच्चों, 70 हो गए ना, तो ये कितने हो गए 70, तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि जब ये 40 और 30 70 हो गया तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 में 70 घटा दो यानी 110 डिग्री हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि देखो जब ये पूरा आपको दे दिया गया 60, ये 80, तो ये वाला 40, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला में भी बैठा सकते हो कि हाँ भाई एंगल बी ओ सी का मान क्या होगा, 90 प्लस एंगल ए बाई टू, यानी ये 40 का आधा, 40 का आधा कितना होगा 20, यानी 110 डिग्री। तो देखिए आपका आंसर चुटकियों में आ गया। आ रही है बात समझ में मेरे बच्चों। तो देखिए इसे हमने कितने आसानी से हमने इसे सॉल्व कर दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है मेरे बच्चों। तो देखिए हमने कितने सुंदर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब आइए चलिए चलते हैं अब इसके दूसरे वाले पार्ट की तरफ। ये है
पार्ट नंबर 7 यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 7। अब देखिए, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है एबीसी। अब एबीसी एक त्रिभुज है और अगर मैं देख रहा हूं कि यहां पर एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, यहां एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। अब इनके वाय कोणों के समद्विभाजक यानी एक्सटीरियर एंगल के समद्विभाजक यानी एक्सटीरियर एंगल को दो भागों में बांटने वाले, दो बराबर भागों में बांटने वाले अगर भुजा आपस में ओ बिंदु पर मिल रही है तो इस एंगल का आपसे मान पूछा जा रहा है। तो एंगल बीओसी यानी एक्सटीरियर एंगल बीओसी का मान क्या होगा? तो इसका मान क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? तो याद रखिएगा, ये 90 डिग्री माइनस ये एंगल ए का आधा यानी एंगल ए बाई टू का आधा। तो देखो ये एक थ्योरम हो गया, कितनी आसानी से समझा दिया। अगर अंदर रहेगा तो प्लस कर देना है, बाहर एक्सटीरियर एंगल का अगर पूछेगा तो देखो ये ऑलवेज 90 से कम होगा तो यहाँ आप 90 से माइनस कर देंगे। अब आपको एग्जाम में एंगल दिया रहेगा, वहां से आप चुटकियों में निकाल सकते हैं मेरे बच्चों। समझ में आ गई बात? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, आइए प्रॉपर्टी अब हम सीख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 में कहा जाएगा, क्या कह रहा है देखिए, कि अगर एक त्रिभुज एबीसी है, अगर इसकी तीनों मध्यिकाओं को खींचा जाए, क्या दोस्तों? मध्यिकाएं यानी कि मीडियन, यानी कि जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है, इसे ही मीडियन कहते हैं मध्यिका। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा बेसिक कंसेप्ट बताया, जो जिन्होंने नहीं देखा है वो वहां प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मेरे बच्चों देखिए कि अब मान लो बी से अगर मैं सामने वाली भुजा पर एक मध्यिका खींचूं, यानी वो एसी को दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है, ये इसका नाम दे दिया डी, इसका नाम दे दिया ई। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ सी से एबी की तरफ एक मध्यिका खींचूं जो एबी को एएफ और बीएफ दो बराबर भागों में बांट देती है, तब हम क्या कहेंगे दोस्तों? थ्योरम हमारा ये कहता है, ये प्रॉपर्टी एक और हो जाएगी, कि तीनों मध्यिकाओं का योग यानी कि एडी प्लस ये वाली बीई और प्लस ये वाली मध्यिका सीएफ, तीनों मध्यिकाओं का जो योग होगा वो तीनों भुजा के योग यानी तीनों भुजा यानी साइड क्या है, एबी बीसी और सीए, तो एबी प्लस बीसी प्लस सीए इनके योग के आधे से बड़ा हो। याद रखिएगा, ये तीनों मध्यिकाएं तीनों भुजाओं के योग से बड़ी नहीं होगी, उनके योग के हाफ आधे से बड़ी होगी। ये भी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये इसका प्रयोग आप करेंगे परीक्षा में भी, ये प्रॉपर्टी है, जान के रखिए। उसके बाद आइए टॉपिक नंबर 9 पे चलते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहता है कि अगर ऐसे ही त्रिभुज मान लो एक एबीसी है और अगर मैं इसका शीर्ष लंब खींचू, शीर्ष लंब मतलब यानी सामने वाली भुजा पर बिल्कुल 90 डिग्री, तो ये एडी एक शीर्ष लंब हो गया। उसी प्रकार बी से अगर मैं इस पर एक शीर्ष लंब बना दूं तो देखो ये हो गया बीई हो गया, और अगर मैं सी से एक शीर्ष लंब खींच दूं एबी पर तो देखो ये भी लंब हो गया और ये नाम दे दिया एफ। तो जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब आपने खींच दिए हैं तो तीनों शीर्ष लंबों का योग जो होगा ना वो तीनों भुजाओं के योग से छोटा होगा, या आप ऐसे कह सकते हैं तीनों भुजाओं का योग ये हो गया एबी, ये बीसी और ये सीए, एबी बीसी प्लस सीए इज ऑलवेज ग्रेटर देन, हमेशा बड़ा होगा किससे? इन शीर्ष लंबों के योग से, यानी एडी प्लस बीई प्लस सीएफ। तो भैया ये हो गई जबरदस्त एकदम थ्योरम फॉर्मूला, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? आइए चलते हैं अगले थ्योरम की ओर। तो देखिए दोस्तों, अब अगला जो हमारा जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर दो समानांतर रेखाएं हैं और इसे कोई एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटती है तो सभी अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक, यानी इस एंगल का समद्विभाजक मान लो ये हो गया, इस एंगल का समद्विभाजक देखो यहाँ ऐसे चला गया, इस एंगल का समद्विभाजक ऐसे हो गया और इस एंगल का समद्विभाजक ऐसे हो गया। तो देखो ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, मीट कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स यही ना थे। तो इन सभी अंतःकोण, अब मान लो मैं इसका नाम दे दूं, ये ए बी है, ये सी डी है, ठीक है, इसे कोई रेखा है जो काट रही है, तो देखो ये सभी, इसका नाम दे दो पी क्यू आर एस, नाम दे दिया मैंने जहां जहां ये काट रहे हैं। तो मेरे भाई ये याद रखना कि जब भी अगर दो समानांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है और सभी अंतःकोणों के कोण समद्विभाजक को अगर
खींचा जाए तो ये हमेशा आपस में चारों जगह आपको एक साथ मिलेंगे और मिल करके हमेशा एक आयत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आयत बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि पी क्यू आर एस क्या है? एक आयत है। तो ये आपका हो गया भैया थ्योरम, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है? आगे बात क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं अगले एक थ्योरम की ओर जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लगभग हर एग्जाम में इससे आपको एक ना एक एंगल निकालने वाला क्वेश्चन आता ही है। तो देखो दोस्तों, जितनी भी प्रॉपर्टी आज के इस वीडियो में मैं बता रहा हूं, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, ट्रायंगल पार्ट वन, ट्रायंगल पार्ट टू, पहले के वीडियो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब टॉपिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन आज से 3-4-5 महीने पहले ही करा दिया है। तो इसे अच्छे से देख करके समझो और उसके बाद वहां जाकर के उन क्वेश्चन को देखो, तो देखो चुटकियों में सॉल्व होने लगेगा। आप आधे से ज्यादा आप खुद सॉल्व कर लोगे। तो पहले प्रॉपर्टी देखना, उसके बाद आप वो वीडियो को देखना एंगल वाला, जिससे आप एंगल निकालना सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं एक और ट्रायंगल ले लेता हूं। चलिए ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी मैं नाम दे दिया। अब इस ट्रायंगल में दोस्तों कुछ चीजें करनी है हमें। अब वो क्या करना है तो देखो, अब देखो यहां एक एंगल है बी ए सी, यानी कि ये वाला एंगल। और अगर बी ए सी को अगर मैं बोलूं कि एंगल बी ए सी को एक भुजा है जो इसे समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित करने का मतलब कि मैं बोल दिया कि ए एम एक सरल रेखा मैंने खींचा जो क्या है, एंगल बी को समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित मतलब एंगल बाइसेक्ट कर रही है। यानी मैं यहां लिख देता हूं कि अगर मान लो ए एम क्या है, कोण समद्विभाजक है, यानी एंगल बाइसेक्टर है, और शीर्ष ए से ही मैं एक लंब खींच दूं, एक लंब खींच दूं मेरे बच्चों जो 90 डिग्री होगा, है ना, 90 डिग्री, ये एंगल का चिन्ह से ही पता चल जाएगा 90 डिग्री। और इसका अगर मैं नाम दे दूं ए एन एन, तो ए एन अगर मैं बोल दूं क्या है, परपेंडिकुलर टू बी सी है, या परपेंडिकुलर टू बी सी है। जी हाँ, ए एन क्या है, ए एन परपेंडिकुलर टू बी सी है। तो टू लिखने की भी जरूरत नहीं है, गणित की भाषा में हमने लिख दिया ए एन इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो मेरे बच्चों एक जबरदस्त ट्रिक आएगा, आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि भैया ये वाला एंगल बताओ। यानी मैं कह सकता हूं, मैं लिख देता हूं एंगल क्या होगा, एंगल एम ए एन, एंगल एम ए एन या एन ए एम जो भी कह लीजिए, इसका मान आपसे पूछा जाएगा। तो डायग्राम देख करके ब्रेन में याद रखिए, समझ में रखिए, दिमाग में फिट कर लो कि एक एंगल बाइसेक्टर होगा और एक लंब होगा, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसका मान आपसे पूछा जाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त थ्योरम है, फॉर्मूला है मेरे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना याद रखो कि एंगल एम ए एन जो होगा वो हाफ होगा किसका, एंगल बी माइनस एंगल सी का, बस। यानी ये एंगल में से इस एंगल को घटाओ और उसका हाफ कर दो तो ये वाला एंगल आपको आसानी से मिल जाएगा। आगे बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेल में, एसएससी में, बैंक में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, कि मैं आपको क्या बताऊं। इसलिए इसे अच्छे से समझ लेना मेरे भाई। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक है ये बहुत ही मजेदार है, इसे अच्छे से समझना, बहुत ज्यादा एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगर मैं बोलूं कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं कह रहा हूं कि अगर बी सी भुजा को अगर मैं डी तक बढ़ाऊं, तो जब हम बी सी भुजा को डी तक बढ़ाते हैं तो देखो एक बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल यहाँ क्रिएट हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, अगर एंगल बी के एंगल बाइसेक्टर को अगर मैं इस प्रकार से खींच दूं, बाहर तक बढ़ाऊं, ये क्या है, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है, यानी कोण समद्विभाजक। और ठीक बहिष्कोण सी के अगर एंगल बाइसेक्टर को भी मैं बढ़ाऊं, तो ये दोनों अगर आपस में ई बिंदु पर मिलते हैं, कहां मिल रहे हैं दोस्तों, ई बिंदु पर, तो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि इस वाले एंगल का मान बताइए, ये आपको क्वेश्चन रहेगा। तो भाई मेरे, मैंने जो भी बोला है मेरी बातों को सुनकर आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि कॉपी कलम हमेशा साथ में रखना जब भी आप मेरे वीडियो को देखोगे, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो देखिए भाई ये क्या हो गया कि
एंगल बी का बाइसेक्टर बीई और एंगल सी का बहिष्कोण एंगल सी का बाइसेक्टर सीई आपस में एक दूसरे पर ई पर मिल रहे हैं ना दोस्तों, तो ये वाला एंगल क्या होगा? तो आप कहेंगे एंगल बीईसी बराबर एंगल ए का आधा। याद रखिएगा इस वाले एंगल का ये हाफ हो जाता है, कौन? एंगल ई। अगर मान लो मेरे बच्चों एग्जाम में ये 80 डिग्री दिया रहेगा तो ये आप डायरेक्ट यहाँ कह सकते हैं कि अगर एंगल बाइसेक्टर वन लिखा रहेगा, अगर एंगल बाइसेक्टर होगा दोनों का तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। परीक्षा में ये एंगल दे दिया जाएगा, ये दे देगा तो आपको डायरेक्ट इसका मान पूछेगा, तो हम इसको यूज करके यहाँ जाएंगे और इसका हाफ कर देंगे। मगर आपको हाफ तो भैया इसका करना ही होगा, तो एंगल बी ई सी क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल ए। क्लियर है मेरे बच्चों? तो ये प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से याद रखना। तो चलिए मैं इस प्रॉपर्टी को थोड़ा इधर लिख देता हूँ ताकि मैं एक प्रॉपर्टी इसमें आपको और बता सकूं। तो देखिए एंगल बी ई सी मैं यहाँ लिख दिया कि 1/2 एंगल ए होगा, तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। अब चलिए एक और मैं आपको इससे ही रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लीजिए एक चतुर्भुज मैं बनाता हूँ एबीसीडी। चलिए मैंने एक चतुर्भुज बना दिया इस तरीके से, है ना भाई, ये चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है। तो एक चतुर्भुज मैंने इस तरीके से बनाया एबीसीडी। अब कहा क्या जा रहा है कि ये जो एंगल ए है और जो एंगल बी है इनके जो एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि इनके जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों आपस में पी बिंदु पर मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? पी बिंदु पर। यानी ये भी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए का एपी, और बीपी जो हो गया एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है, और ये दोनों आपस में पी बिंदु पर मिल रहे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा एंगल ए पी बी का मान बताइए। तो मेरे बच्चों एंगल ए पी बी का मान क्या हो जाएगा, ये भी होगा 1/2 एंगल। अब 1/2 किस एंगल? तो एंगल सी माइनस एंगल डी, यानी एंगल सी माइनस एंगल डी के आधा के बराबर होगा। तो देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए मेरे बच्चों मैंने बहुत प्रयास अच्छे से किया है कि ये जो 13 प्रॉपर्टी जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताया हूँ, इसे जाकर के घर में अच्छे से प्रयास करो, अच्छे से समझो, वीडियो को पूरा देखो, एक भी लाइन स्किप करोगे ना तो कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में मैं और 15 कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर और 5-10 रह जाएंगे वो बताऊंगा। तो इससे क्या होगा, ज्योमेट्री में ट्रायंगल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आप सब के सब करने में सक्षम हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। और इसका जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बना हुआ है, पहले इस वीडियो को देखो और जाकर के प्लेलिस्ट में पुराने वीडियो को देख करके एंगल वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो मेरे बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रणभूमि मैथ्स नाम से फेसबुक पे भी एक पेज है, ग्रुप है, आप मुझे वहां भी रिक्वेस्ट भेजकर ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो करिए। इंस्टा पे भी मैं अब आ गया हूँ, वहां भी आप फॉलो करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।